हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम भी डेली बीपीडी एनालिसिस के आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे 14 मार्च 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो बिना टाइम गवाइए चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप सभी को पता है कल ऑस्कर्स दिए गए, और ऑस्कर्स में हमारे देश में दो कैटेगरीज में हमें ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। वह कौन कौन से आपको पीछे इमेज में दिखाई दे रहा होगा। एक किया गया द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, जो कि आरआरआर की मूवी नाटू नाटू, आरआरआर मूवी के नाटू नाटू सॉन्ग को, और दूसरा अवार्ड हमें दिया गया है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी, शॉर्ट कैटेगरी, इसमें दिया गया है द एलिफेंट विस्परर्स को। ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, आपके एनुअल एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। और जो इस बार का यह ऑस्कर अवार्ड थे, ये 95th अकेडमी अवार्ड्स, क्योंकि ऑस्कर्स को अकेडमी अवार्ड्स बोला जाता है, तो अकेडमी अवार्ड्स कौन से थे, ये 95th थे। 1929 में ऑस्कर्स को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। देखिए इस ऑस्कर के बारे में सारी जानकारी, किसको कब दिया गया था, पूरी कंप्लीट लिस्ट मैंने एक वीडियो कल बना दिया था, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख जाएगा, आप लोग वहां पे उसको जाकर के देख सकते हैं, वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। आज यहाँ पे इसके बारे में इतना ही डिस्कस कर रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको ये पहले बता दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लास्ट वीडियो आया था मेरा, उस पर दो क्वेश्चन आपसे पूछे थे। पहला क्वेश्चन था कॉनराड सांगमा रिसेंटली अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, अभी हाल ही में कॉनराड सांगमा को किस स्टेट का चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। तीन स्टेट्स में विधानसभा चुनाव हुए थे, जहां पे की चीफ मिनिस्टर वहां पे चुने गए हैं अभी, तो कहां का इनको चुना गया है, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम या मेघालय का। तो इनको चुना गया है कहां का, मेघालय का। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं, हमारे कॉनराड सांगमा बने हैं। अब जो चीफ मिनिस्टर होता है यह हमेशा अपॉइंटेड होता है, इसको अपॉइंट किया जाता है, इनको कभी भी इलेक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। क्या बोलेंगे आप लोग, इनको अपॉइंट किया जाता है यानी कि नियुक्त किया जाता है, ये इलेक्ट नहीं होते, यानी कि इनको चयनित नहीं किया जाता, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे कभी कभी एग्जाम में बन जाता है, तो आप लोग तो ध्यान रखें। इलेक्ट किसको करते हैं आप लोग, जो एमएलए होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है, फिर वो लोग अपने में से एक व्यक्ति को चुनते हैं जो उनका मुखिया रहेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं। और उसको कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर अपॉइंट करेगा। सेम चीज अगर आप लोग सेंटर में देखेंगे तो वहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनके बीच का एक मुखिया जिसको प्रधानमंत्री बोला जाएगा, और उसको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर इलेक्ट होते हैं, जबकि जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होते हैं इनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुप्पू स्वामी संपत रिसेंटली डाइड, ही वॉज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, इनमें से किस स्पोर्ट से कुप्पू स्वामी संपत एसोसिएटेड थे, जो अभी हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। तो काफी फेमस नाम था, ये थे फुटबॉलर, ठीक है, फुटबॉल खेला करते थे। तो इनको, इनकी अभी हाल ही में क्या हो गई है, डेथ हो गई है, हमने डिस्कस कर ली थी न्यूज। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, केवल आपके लिए क्वेश्चंस थे, उसका सही आंसर मैंने आपको बताए, और यह ऑस्कर अवार्ड्स मैं आपको बता चुका हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट डेज, आज एक इंपॉर्टेंट डे है, वह है आपका कौन सा, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। जैसे कि आपको नाम से ही मालूम चल रहा है कि नदियों की महत्वता, उनकी भूमिका को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनके बीच में नदियों के बारे में, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस डे को हर साल 14 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। आपसे थीम पूछ सकते हैं 2023 की, द राइट्स ऑफ रिवर्स, ठीक है, रिवर्स के क्या राइट्स हैं इनके बारे में। तो द राइट्स ऑफ रिवर्स इस बार की इसकी थीम है, और इनके महत्व को बेसिकली लोगों तक पहुंचाने के लिए ही हम लोग हर साल ऑब्जर्व करते हैं कौन सा, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, हर साल 14 मार्च को, ठीक है। इससे मुझे कुछ याद आ रहा है, वैसे डायरेक्टली इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग तो यहाँ पे कर सकते हैं। निसार, अभी हाल ही में नासा ने हमारे देश की इसरो को निसार सैटेलाइट को दिया है। अब निसार क्या है, निसार है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार, इसका फुल फॉर्म है, जो कि नासा और इसरो दोनों ने मिलकर बनाया है, और नासा ने भी हाल ही में इसको इसरो को दिया है बेंगलुरु में, ठीक है। तो बेसिकली निसार क्या करेगा, जितने भी हमारा जो पृथ्वी है, इसमें जो लैंड है उसको, और हमारे पृथ्वी की लैंड में जो आइस है, इन दोनों को यहाँ पे इनको ओवरसी करेगा, नजर रखेगा इस पे, जो जितने भी नेचुरल हैजार्ड्स आते हैं, बाढ़ आती हैं, भूकंप आते हैं, जितने भी कैलेमिटीज होती हैं, क्यों आ रही हैं, कब आ रही हैं, किस तरीके से आएंगी, इनसे कोप अप कैसे किया जा सकता है, इससे कैसे निपटा जा सकता है, अगर ये आ जाए तो उसके बाद हमें क्या क्या कदम उठाने
चाहिए ताकि कैजुअलिटी को हम कम से कम कर सकें, उन चीज़ों के लिए इस निसार को यूज़ किया जाएगा। अल्टीमेट एम इसका एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है, क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, एग्रीकल्चर पे असर पड़ता है। मान लो आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मान के लो हो रही है ऑब्वियसली, उसकी वजह से सी लेवल घटते हैं, ठीक है, आइस हमारी जल्दी से मेल्ट हो रही है, इसका कहीं ना कहीं जो लास्ट में इम्पैक्ट पड़ रहा है एग्रीकल्चर पे ही पड़ रहा होता है। तो उस इम्पैक्ट को, जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको कम करना है और जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसको ज़्यादा करना है। तो इस उद्देश्य के साथ ही हम लोग इसको कर रहे हैं उनके साथ जॉइंटली डेवलप, नासा के साथ मिलकर। एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है निसार वाला, आपके लिए एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग जरूर पढ़ेंगे, ठीक है, नासा और इसरो की। और ये डबल फ्रीक्वेंसी एक सैटेलाइट है, डबल फ्रीक्वेंसी वाली, एस बैंड और एल बैंड इसमें यूज किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं हमारी न्यूज। सबसे पहले नेशनल यानी कि राष्ट्रीय सेक्शन देखते हैं, राष्ट्रीय सेक्शन से क्या इंपॉर्टेंट न्यूज बनी है। सुरेखा यादव फर्स्ट वुमेन लोगो पायलट ऑफ एशिया ऑपरेट्स वंदे भारत एक्सप्रेस। भारत की नहीं बल्कि एशिया की पहली लोगो पायलट, लोगो पायलट कौन, जो ट्रेन को चलाते हैं उनको क्या बोलते हैं, लोगो पायलट बोलते हैं, ठीक है, लोकोमोटिव इंजन होता है तो उसको चलाने वाला लोगो पायलट होता है। तो जो एशिया की पहली है वो कौन, सुरेखा यादव, इन्होंने भी हाल ही में क्या चलाई, वंदे भारत एक्सप्रेस, और वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बन चुकी है, सुरेखा यादव बन चुकी है, ठीक है, एशिया की पहली लोगो पायलट महिला, और साथ साथ वंदे भारत को चलाने वाली भी पहली महिला लोगो पायलट कौन, सुरेखा यादव बन चुकी है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जितने भी वुमेन सेंट्रिक न्यूज होती है, जहाँ पे वुमेन के एम्पावरमेंट की बात हो रही होती है या उनको आगे लाने की बात हो रही होती है, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन पे काफी बार एग्जाम में फोकस दिया जाता है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये न्यूज, ठीक है। आपसे अब यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वही पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इन्होंने चलाई कौन सी, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कौन से रूट पे चलाई या कौन से स्टेशन के बीच में चलाई, तो इन्होंने चलाई सोलापुर से लेकर के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल CSMT, इस रूट पे, दो स्टेशन के बीच में चलाई इन्होंने कौन सी, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। सी ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट फीमेल वंदे भारत एक्सप्रेस लोगो पायलट, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। जो CSMT सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिस रूट पे इन्होंने चलाया था, तो ये वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को फरवरी 2022 में नहीं 23 में ही क्या किया गया है, अभी इसको लॉन्च किया गया, यानी इसको चलाया गया था, ठीक है, इसको फरवरी 2023 में इस रूट पे ये वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाया गया था, ध्यान देंगे। तो इतने पॉइंट्स आपके लिए ये वाली न्यूज से इंपॉर्टेंट है, कौन से रूट पे चलाया और वहाँ पे कब वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाया गया था पहली बार, और इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ से कीवर्ड निकल के आता है वंदे भारत एक्सप्रेस, कि ये वंदे भारत एक्सप्रेस आखिर है क्या। वंदे भारत एक्सप्रेस और कुछ नहीं बल्कि ट्रेन ही है, बस ये हायर परफॉर्मेंस वाली ट्रेन है, इलेक्ट्रिक ट्रेन है, ठीक है, काफ़ी एडवांस ट्रेन ये हैं। इनका नाम पहले ट्रेन 18 हुआ करता था, लेकिन बाद में इनको चेंज करके कर दिया गया वंदे भारत ट्रेन, ठीक है। जो पहली वंदे भारत ट्रेन थी वह 18 फरवरी 2019 को चलाई गई थी। अब ऐसा नहीं है कि ट्रेन पहले नहीं थी, ये ट्रेन पहले भी थी, ट्रेन 18 के नाम से, लेकिन बाद में उसका नाम चेंज किया गया, इसमें मॉडिफिकेशंस किए गए और ये ट्रेन आपके सामने आई। 18 फरवरी 2019 को पहली ट्रेन को इनॉग्रेट किया था और यह चली थी वाराणसी से लेकर के दिल्ली, यानी कि दिल्ली से लेकर के वाराणसी तक ये ट्रेन चलाई गई थी पहली। हर किसी चीज का पहला पहला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब तो न जाने कितने वंदे भारत ट्रेन आगे लॉन्च की जाएंगी, इनॉग्रेट की जाएंगी, तो उतने याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन पहली वाली आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप लोगों को देखना होगा कि जो दिल्ली से लेकर वाराणसी थी वो पहले आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन थी, जिसको हम लोग पहले क्या बोलते थे, ट्रेन 18 इसको बोला जाता था। अब आपसे क्या पूछ सकते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रल कोच फैक्ट्री करती है, जो कि चेन्नई में है, ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। बस इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहली ट्रेन को याद रखेंगे, ज्यादा नहीं। जो भी आप में से स्टेट्स के एग्जाम दे रहे हैं स्टेट्स लेवल के, तो उनको अपने स्टेट में चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में पता रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पहली वाली पता रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलो सेकंड न्यूज बनी है एक एग्रीमेंट, एक बेसिकली एग्रीमेंट ही बोलेंगे इसको, उसको साइन करने उससे रिलेटेड, जो कि इंडिया और स्वीडन के बीच में है। इंडिया एंड स्वीडन साइंड MOC टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन एंड प्रमोट रिसर्च नेटवर्किंग बिटवीन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स फ्रॉम बोथ कंट्रीज। इंडिया और स्वीडन में जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, और ये दोनों साथ मिलकर के रिसर्च के क्षेत्र में और एक दूसरे का सहयोग करेंगे, इस चीज के लिए इनके बीच में क्या किया गया, एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया गया
कोऑपरेशन मतलब क्या होता है, किसी की हेल्प मतलब सहायता करना, साथ मिलकर के काम करना, तो कोऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन और को, तो कोऑपरेशन। तो एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन यहाँ पे साइन किया गया इंडिया और स्वीडन के बीच में, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के बीच में, क्या करने के लिए, रिसर्च नेटवर्किंग को प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए बेसिकली। इसमें काफी सारे कदम उठाए जाएंगे, काफी सारे प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे, उन प्रोग्राम्स के माध्यम से सेमिनार्स कराए जाएंगे, वर्कशॉप लगाए जाएंगे, कॉन्फ्रेंसेस की जाएंगी, एकेडमिक लेवल पे जाकर के भी दोनों कंट्रीज में इस चीज को, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के बीच में रिसर्च को प्रमोट करने के लिए वहां पे कदम उठाए जाएंगे। ये बात इस एमओसी में की गई है, ठीक है। इट एम्स टू प्रमोट मोबिलिटी फंडिंग अपॉर्चुनिटीज इन बोथ कंट्रीज, दोनों कंट्रीज में मोबिलिटी फंडिंग को बढ़ावा देने के लिए इसको किया गया। किस किसके बीच किया गया, ये हमारे देश में सर्व, SERB, सर्व। अब सर्व क्या होती है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, ये थी हमारे देश से, और वहां से स्वीडिश फाउंडेशन, इन दोनों के बीच में इस एमओसी को भी हाल ही में साइन किया गया है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, ठीक है। स्वीडन, इसकी राजधानी स्टॉकहोम, स्वीडन क्रोना यहाँ की क्या है, करेंसी है, ठीक है। इतना आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें और कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके अलावा तो कुछ भी नहीं दिख रहा है मेरे को, नहीं है यहाँ पे एमओसी, इसको यहाँ पे साइन किया जा रहा है। अब यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं किसका, स्वीडन का। तो स्वीडन के बारे में एक दो चीजें देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे सीधा, ठीक है। स्वीडन आपको कहाँ पे दिखेगा, जब आप एशिया देखेंगे, ऊपर यूरोप देखेंगे, फिर इसके भी ऊपर यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आपको तीन कंट्रीज दिखेंगी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तीन कंट्रीज याद रखेंगे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, हमेशा हर इंडेक्स के टॉप में आपको ये तीन कंट्रीज दिखेंगे, क्योंकि ये सब छोटी छोटी कंट्रीज है। अब जो नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, उसमें से जो पीस प्राइज है, नोबेल का पीस प्राइज यानी कि शांति पुरस्कार, यह दिया जाता है नॉर्वे से, ठीक है। और बाकी बचे हुए पांच प्राइज दिए जाते हैं स्वीडन से। कहां से, बाकी बचे हुए पांच कैटेगरी के प्राइस नोबेल के स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं, और एक दिया जाता है नॉर्वे के द्वारा। स्वीडन के रहने वाले थे कौन, नोबेल, जिनके नाम पे ये नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, ठीक है। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये तीन कंट्रीज हो गई, और यहाँ पे एक डेनमार्क होगा यहाँ पे। तो इन चार कंट्रीज में, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, इन चार कंट्रीज में एक माउंटेन है, इसको बोलते हैं हम लोग स्कैंडिनेविया माउंटेन। स्कैंडिनेविया माउंटेन इन चार कंट्रीज में होने की वजह से हम इनको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में चार कंट्रीज आती हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। समझे इस चीज को, नॉर्वे से दिया जाता है पीस प्राइज, और अभी हाल ही में जो पीस प्राइज दिया गया था नोबेल का, वह दिया गया था एक तीन लोग मतलब दो ऑर्गेनाइजेशंस थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक रशिया का वॉर मेमोरियल था, और एक बेलारूस के थे, कौन कौन थे वह, बेलारूस के एलेस बियालास्की, ठीक है, एलेस बियालास्की, इनको दिया गया था नोबेल पीस प्राइज, जिसमें से जो एलेस बियालास्की थे इनको 10 साल की सजा बेलारूस कोर्ट के द्वारा सुना दी गई है, ठीक है। किसको, एलेस बियालास्की को, ये इंपॉर्टेंट भी आपके लिए काफी, ये न्यूज भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इतनी जानकारी आपको यहां से मिलती है इस न्यूज से, कौन सी कंट्रीज है, स्कैंडिनेविया कंट्रीज। आगे बढ़ते हम लोग, अब है रक्षा यानी कि डिफेंस, देखते हैं डिफेंस से न्यूज क्या इंपॉर्टेंट बनी है। एक्सरसाइज ला पेरोस, आपको सारी एक्सरसाइज जितनी मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही होती है करंट वाली, वो आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज ला पेरोस 2023 13 और 14 मार्च को की जा रही है, कंडक्ट की जा रही है इंडियन ओशियन रीजन में। अब बेसिकली जो एक्सरसाइज ला पेरोस है, यह मैरीटाइम एक्सरसाइज है। अब मैरीटाइम है तो यहाँ पे या तो कोस्ट गार्ड होगी या तो फिर इसमें नेवी होगी, तो इसमें क्या है, इसमें है नेवी, तो यह नेवी की एक्सरसाइज है, और इसमें चार कंट्रीज हैं जो यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज कर रही हैं, और चार कंट्रीज की नेवी है, आर्मी एयरफोर्स यहाँ पे नहीं है। अब वो चार कंट्रीज कौन कौन सी हैं, एक आपकी फ्रांस, एक है इंडिया, एक है ऑस्ट्रेलिया, और एक कौन है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडिया, जापान, ठीक है। चार कंट्रीज यहाँ पे हैं जो कि क्या कर रही है, यूनाइटेड स्टेट्स भी है यहाँ पे साथ साथ, तो ये कंट्रीज क्या कर रही है यहाँ पे अपना इस एक्सरसाइज को कर रही है IOR यानी कि इंडियन ओशन रीजन में 13 से लेकर 14 मार्च तक, यानी कि 13 और 14 मार्च दो दिन की किया जाएगा। इसमें क्या क्या चीजें की जाएंगी, प्रैक्टिस किसकी चीज की जाएगी, सरफेस वॉरफेयर के लिए, एंटी एयर वॉरफेयर। सरफेस वॉरफेयर मतलब जब सतह पर लड़ाई होती है वहां पे, एंटी एयर मतलब जब एयर से कोई अटैक करेगा हवा के रास्ते तो आपको उसको जवाब कैसे देना, यानी कि एंटी एयर वॉरफेयर। एयर डिफेंस एक्सरसाइज यानी कि कोई अगर एयर से अटैक करा तो आप तो डिफेंस कैसे करोगे अपने आप को, हुआ दी, तो इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे प्रैक्टिस की जाएगी। फ्रेंच नेवी के द्वारा इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है, कौन सी एक्सरसाइज, ला पेरोस 2023, आपको ये याद रखना है। इंडिजीनियसली बिल्ट गाइडेड मिसाइल, इसको याद रखेंगे, फ्रिगेट INS सह्याद्री एंड फ्लीट टैंकर INS ज्योति, ये दो यहाँ पे क्या करेंगे हमारे इंडिया की साइड से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, INS सह्याद्री और INS ज्योति। सह्याद्री क्या है,
गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है और जो INS ज्योति है यह फ्लीट टैंकर है। ठीक है, ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और यह क्या है इस बार 2023 की एक्सरसाइज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए सेलेक्ट किया गया है। अभी जो आपको यहाँ पे इमेज दिख रही है ये इनको अभी दिया नहीं गया है, बल्कि साहित्य अकादमी के लिए इनको सेलेक्ट किया गया है। साहित्य अकादमी अवार्ड्स, कोई भी व्यक्ति जब हिंदी लिटरेरी वर्क करता है, पिछले 10 साल के उसमें काउंट किया जाता है इसको, तो हिंदी लिटरेरी वर्क के लिए किसी व्यक्ति को दिया जाता है कौन सा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में इसको स्टैब्लिश किया गया था हिंदी लिटरेरी वर्क के लिए। तो अभी हाल ही में जो आपको इमेज दिखाई दे रही है इनका नाम है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ठीक है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, इनकी एक नोवेल है पागलखाना। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया गया है, इनको दिया नहीं है बल्कि सिलेक्ट किया गया है किसके लिए, साहित्य अकादमी अवार्ड के लिए। ठीक है, आपको इतना ही याद रखना था इसके बारे में, पागलखाना के मतलब पागलखाना जो कि ज्ञान चतुर्वेदी जी की है, ये ज्ञान चतुर्वेदी जी हैं, ये इनकी नोबेल है, तो इसको सिलेक्ट किया गया है अभी साहित्य अकादमी के लिए। क्यों दिया जाता है मैंने आपको बता दिया है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 जब USSR टूट के अलग हुआ था 15 देशों में, तो उस समय पे इसको क्या किया गया था, फाउंड किया गया था। ठीक है, हिंदी लिटरेरी वर्क के लिए इसको दिया जाता है, इसमें 4 लाख रुपए का कैश प्राइस दिया जाता है। ठीक है, इतना आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और इसमें इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। चतुर्वेदी, जब आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे ना तो आपको हिस्ट्री में एनसीएंट में पढ़ाया जाता होगा चतुर्वेदी के बारे में। चलो एक छोटा सा ज्ञान दे देता हूँ, 1 मिनट के अंदर खत्म करेंगे। चतुर्वेदी मतलब क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ से, वैदिक पीरियड में क्या होता था, जैसे आज कास्ट सिस्टम चलता है जन्म के आधार पे, उस टाइम पे ऐसे नहीं चला करता था, उस समय पे कर्म के आधार पे चला करता था। तो वहां पे ये बोला गया जिस भी व्यक्ति को एक वेद का ज्ञान होगा, 4 वेद में से एक वेद का, उसको बोला जाएगा ब्राह्मण। ठीक है, वो ब्राह्मण हो जाएगा। जिसको 2 वेद का ज्ञान होगा, 2 वेद का ज्ञान करने वाले को बोलेंगे द्विवेदी। आपको द्वि मतलब क्या होता है, 2 वेदी मतलब वेद का ज्ञान वाला, द्विवेदी। जिसको 3 वेद का ज्ञान होगा उसको बोला जाएगा त्रिवेदी। ठीक है, और जिसको 4 वेद का ज्ञान होगा उनको क्या बोला जाएगा, चतुर्वेदी। ठीक है, तो ये क्या है, चतुर्वेदी, यानी कि अगर हम वैदिक पीरियड की बात करेंगे तो उस व्यक्ति को जिसको कि 4 वेद का ज्ञान होता था उनको बोलते थे चतुर्वेदी। जिसको 3 का त्रिवेदी, 2 द्विवेदी और जिसको 1 का होता था वो ब्राह्मण हुआ करते थे। ये उस समय की बात है, अब एंशिएंट इंडिया में इसको पढ़ते होंगे जब वैदिक पीरियड हम लोग पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलो स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स एक इंपॉर्टेंट न्यूज है लेकिन छोटी सी है। 4th एशियन खो खो चैंपियनशिप फॉर मैन एंड वुमेन टू बी हेल्ड बक्सा डिस्ट्रिक्ट, आसाम में है बक्सा डिस्ट्रिक्ट, और उस बक्सा डिस्ट्रिक्ट में होने वाली है 4th एशियन खो खो चैंपियनशिप मैन एंड वुमेन बोथ, 20 से लेकर के 23 मार्च तक। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, 4th खो खो चैंपियनशिप फॉर मैन एंड वुमेन कहाँ पे, आसाम, आसाम के बक्सा डिस्ट्रिक्ट में 20 से 23 मार्च तक। बस इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज में भाग लेंगी, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, मलेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, श्रीलंका, ये 12 कंट्रीज इसमें भाग लेंगी। और ये कहाँ पे होगा, आसाम के बक्सा डिस्ट्रिक्ट में खेला जाएगा खो खो। ठीक है, एशियन यानी कि सारी एशिया की कंट्रीज में होंगी, और ये हमारा भारत है, आसाम है यहाँ पे। ठीक है, ये है आसाम जिसका सेप टी की तरह, अगर आप देखेंगे ना आसाम को तो किसकी तरह है, टी, जो इंग्लिश का टी होता है ना इसकी तरह है। और इसी से याद रख लो कि आसाम फेमस किसके लिए है, चाय, चाय मतलब टी के लिए फेमस है आसाम, और ये बांग्लादेश को यहाँ पे टच करता है आसाम। ठीक है, इतना था आपके लिए, आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए न्यूज इतनी ही थी, आपको ने बता दिया। एक इंपॉर्टेंट, अगर मैं बोलूं आज के सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज क्या थी, तो वो था अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो ऑस्कर्स वाले हैं। ठीक है, तो जो ऑस्कर दिया गया अभी हाल ही में उसको ध्यान रखेंगे आप लोग, ओरिजिनल सॉन्ग के लिए दिया गया है। इसी के साथ साथ एक और है, ओरिजिनल स्कोर कैटेगरी है, बेस्ट सॉन्ग ओरिजिनल स्कोर, वो किसी और को दिया गया है, बेस्ट सॉन्ग ओरिजिनल, ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का दिया गया हमारे नाटू नाटू को। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, बिल्कुल भी क्वेश्चन कुछ भी फ्रेम हो सकता है। तो आज के वीडियो में आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, इसके आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे अगर आप लोग अभी तक देख रहे हैं तो। द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट ऑस्कर्स वन बाय अ सिंगल फिल्म इज हेल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी तक इनमें से ऐसी कौन सी, मतलब अभी तक जितने भी ऑस्कर हुए हैं आज तक 2023 तक, उन सबकी बात चल रही है, तो इनमें से वो कौन सी मूवी है
या कौन इनमें से है जिसके द्वारा अभी तक सबसे ज्यादा अवार्ड्स जीते गए हैं, एक ही 24 कैटेगरीज में दिया जाता है, तो सबसे ज्यादा कैटेगरीज में एक ही बार में किसको दिया गया आपको बताना है, ठीक है। इनमें से कौन सा है आंसर इसका। सेकंड विच अमंग द फॉलोइंग हैज वन द बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल स्कोर्स, इसका आंसर तो मैं गलती से बता चुका हूँ अभी अभी, फिर भी आप लोग ट्राई करेंगे ओरिजिनल स्कोर के लिए किसको दिया गया है इन पांचों में से, ठीक है। आपको आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में, और उसके बारे में जितना भी आपको ज्यादा पता होगा उतना लिख करके बताएंगे, ताकि आपकी ही इन्फॉर्मेशन गेन हो, आपको पता चले कि आपको उस चीज से रिलेटेड कितना पता है और आप लोग उसको लिंक करना समझ पाए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसके आंसर्स मेरे को यहाँ पे जरूर देंगे। अब लास्ट में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, YT चैनल को ज्वाइन कर लेना है, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि कोई भी कंटेंट आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो फिर आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा आपसे कल के करंट अफेयर्स को, यानी कि 15 मार्च के करंट अफेयर्स। तब तक ध्यान रखेंगे अपना, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड बी 50% फास्टर। थैंक यू।